Good morning, students. Today we are going to study the second chapter, that is trees. This is a poem which have been written by Harry Mann, and we will be first of all going through the new words which have been given at the very starting of your chapter. The very first word is boughs, means curved branches, means पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें. Then beams means rays of light, जो सूरज की किरणें आती हैं. The third word is shade, that is cover from the sun, means sun से ढका हुआ, मतलब sun की रोशनी जो है, सूरज की जो किरणें हैं वो ना आए. Then drowsy means sleepy, sleepy means थोड़ा नींद में होना. Hum means a low sound, मतलब बहुत कम आवाज. Now coming to the poem. First of all, we will read the complete poem, then we'll explain you what is the meaning of this poem. Trees. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They gave us fruit and leaves above, and wood to make our house of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new buds of rain. They are first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. Now coming back to the first stanza. Actually, in this poem, the poet want to explain that trees gives us so much benefit. Trees हमें बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं. वो बहुत ज़्यादा actually में हमें बहुत सारी things जो हैं provide करते हैं. Trees are the kindest things I know. Kindest का मतलब होता है दयालु. तो यहाँ पे कहा गया है कि trees जो हैं बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं. वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो, मतलब हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वो सिंपली ग्रो करते हैं. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउस. एक्चुअली मैं यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहता है कि जो ट्रीज होते हैं वो बिना अपना लाभ देखे एनिमल्स को भी लाभ देते हैं. और एक्चुअली जो स्लीपी काउज है, मतलब एक तरीके से कहा गया है कि जो जानवर सो रहे होते हैं उनको वो शेड प्रोवाइड करता है. एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज, मतलब के ना खाली जानवरों को बल्कि जो बर्ड्स होती हैं उनको भी लाभ देता है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं, बाउज मीन्स कर्व्ड ब्रांचेस, जो उसकी पेड़ की शाखाएं होती हैं उस पर जो बर्ड्स हैं वो आके बैठती हैं. ना खाली बैठती हैं बल्कि कई बार आपने देखा होगा बर्ड्स अपना नेस्ट भी बनाती हैं. सेकेंड स्टैंजा, दे गिव अस फ्रूट एंड लीव्स अबव. उसके बाद ट्रीज जो होते हैं बहुत हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं. And wood to make our houses of. और उसके बाद जो trees होते हैं वो हमें woods provide करते हैं, लकड़ी provide कर देते हैं furniture बनाने के लिए, sofa बनाने के लिए, या बहुत सारे, मतलब हम लोगों को कह सकते हैं window बनाने के लिए हमें wood provide करते हैं. And leaves to burn on Halloween means, मतलब अपनी सूखी डंडियों को
मतलब भट्टी जलाने के काम में भी हमें जो ट्रीज हैं उनकी जो शाखाएं हैं जो सूखी पत्तियां हैं वो हमें काम में आती है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बड्स ऑफ ग्रीन, मतलब जब वसंत का महीना आता है, मतलब जब स्प्रिंग का महीना आता है तो देखा है पेड़ जो है उसमें नई पत्तियां आती हैं, वो बहुत ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा जो सराउंडिंग है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमारी जो ट्रीज की जो ग्रीननेस है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सुंदर बना दे। नाउ दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। कहीं ना कहीं पोएट ये कहना चाहता है कि जैसे ट्रीज बहुत ज्यादा टॉल होते हैं तो जब एक्चुअली में सनरेज पड़ती है ट्रीज पर, ट्रीज टॉल होते हैं इसलिए सनरेज ट्रीज पर पड़ती हैं, और मतलब कहीं ना कहीं जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि जो पहली किरण सन की पड़ती है वो डायरेक्ट ट्रीज पर पड़ती है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। और कहीं ना कहीं यही कहना चाहता है कि जब इवनिंग से नाइट आती है, मतलब जब सूरज की आखिरी किरण भी कहीं ना कहीं पेड़ पर भी पड़ती है, क्योंकि ट्रीज जो है बहुत ज्यादा टॉल होते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउसी ललरबाय, मींस एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जब रात को चंद्रमा आकाश में हमें दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी गा के सुना रही होती है, कि उसी तरीके से हमारा जो ट्रीज के पास वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो वैसे ही बन जाता है। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन वॉक अगेन द पोएट इज रिपीटिंग द फर्स्ट लाइन दैट इज ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, मतलब ट्रीज जो है हमें बहुत सारी एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें फर्नीचर के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को शेड देते हैं, बर्ड्स जो है जो ट्रीज की कर्व्ड ब्रांचेस होती हैं उस पे आके बैठते हैं। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम एंड जस्ट आई वॉन्ट दैट एवरी वन शुड रीड इट आउट एंड should understand the meaning of each and every one. Thank you so much.